जय हिंद दोस्तों। वो थोड़ी सी गलती हो गया तो आ जाते हैं ना अपनी मात चुदाने के लिए। कुछ बड़े है जो आ जाते अपनी गांड मराने के लिए, मौके का फायदा देखते है। हा? कॉमेडी करते ना तुम लोग, कॉमेडी करते हमारे गणेश भगवान के ऊपर किया, प्लास्टिक सर्जरी का बात किया, कॉमेडी, इसको कॉमेडी बोलते हैं। छत्रपति महाराज के ऊपर किया, कॉमेडी बोलते हैं इसको। राधा कृष्ण भगवान के ऊपर हो गया, कॉमेडी बोलते हैं इसको। हा? तो ऐसी काम कॉमेडी रहेगी तो गाली मिलेगी तुम लोग को, गाली मिलेगी। कोई भी रिलीजन के ऊपर बात किया तो गाली मिलेगी। किसी को रेप की धमकी देना ये गलत है, मगर उतना ही गलत किसी के रिलीजन पे बात करना, वो भी गलत है। और अभी उठ के आए तुम लोग मादरचोद, हा? अभी उठ के आए, वो भी एक ना किसी की बेटी, किसी की बेंडचोद बहू, किसी की मां थी, जो इंडियन आर्मी के ऊपर इसने एकता कपूर ने मजाक उड़ाया था। हा? उसके लिए जब हम लोग ने आवाज उठाया, किधर थे तुम लोग, किधर थे? उनका वैल्यू नहीं क्या कुछ? किधर थे तुम लोग? हा? किधर गए थे तुम लोग? तब तुम लोग का मुंह बंद था, तब कोई नहीं दिखा। हा? और अभी तुम लोग को दिखने आया सब कुछ। मैं बोलता हूं शुभम मिश्रा ने जो रेप की धमकी दिया, कुछ भी किया, वो गलत है, मगर उतना ही गलत उतना भी है जितना तुम लोग ने किसी रिलीजन को दुखाया, ये भी गलत है। सजा उसको मिली तो उसको भी मिलनी चाहिए जिन्होंने रिलीजन के ऊपर मजाक उड़ाया। किसी एक को टारगेट मत करो, समझा क्या? एक को टारगेट नहीं करने का, करने का तो दोनों जिसकी गलती है उन लोग को भी करने का। तुम लोग को अच्छा ही नहीं दिखती है लोगों की, बस इतना दिखता है। ये ऐसा बोलता है, कैसा बोलेगा फिर, कैसा बोलेगा? तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? अभी रोटी सेकने आ गए, दुकान खोलना चालू किया आप लोगों ने। युद्ध को ये मैसेज देता है, क्या मैसेज दिया है, क्या मैसेज दिया युद्ध को? एक भी वीडियो में बोला किसी को रेप की धमकी दो या किसी लड़की को गाली दो? आदरचोद साले, गलती वो कॉमेडियन की भी है जिन्होंने रिलीजन का मजाक उड़ाया है, समझा? और जब जब किसी भी रिलीजन का और किसी की भगवान का मजाक उड़ेगा तो गाली सुनेंगे। क्यों नहीं अभी तक आवाज उठा रहे हो? वो एकता कपूर ने जो किया, क्यों नहीं आवाज उठा रहे तुम लोग? क्यों नहीं ट्विटर पे गया तुम लोग ये बोलने के लिए कि उसको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए? वो भी तो हमारे भगवान ही है ना, उनके वजह से तुम लोग सेफ बैठे ना इधर, जिनके ऊपर मजाक उड़ाया गया है, क्यों नहीं बोल रहे हो? बस आ गए, दुकान चालू कर दिया बोलने के लिए। ये पेज दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है, इसमें रिलीजन का मजाक उड़ाया जा रहा है। किधर है तुम लोग, किधर है तुम लोग? नहीं दिख रहा, अंधा है, अंधा है क्या? गलतियां निकालेंगे, गलतियां। इसने ये बोला, उसने वो बोला, तुम खड़े रहो ना, खड़े रहो, अच्छे से समझाओ ना इनको, अच्छे से समझाओ। मानता है हमारा बेंचो जबान खराब है, तुम तो पढ़ा लिखा है ना, बोलो क्यों नहीं बोल रहे हो? बस वो लड़की
इधर किसी की माँ बहन बेटी कोई नहीं है, हाँ इधर इंसान को दिल नहीं है, बस उनको दिल है, उनको ठेस पहुंची बस। और इधर क्या, इधर इधर जो लाखों लोगों को ठेस पहुंची है, जो मजाक उड़ाया गया उसका क्या, कुछ नहीं, उनके ऊपर केस नहीं बनता है ना। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहला खुद भी देखो, हाँ खुद खुद क्या किया तुम लोग ने वो भी देखा करो। क्या कॉमेडी है तुम लोग को समझ में नहीं आती है क्या कॉमेडी? तो कॉमेडी खुद के मां बाप पे करो, किसी के धर्म पे क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो किसी के धर्म पे मजाक, किसी के भगवान के ऊपर मजाक क्यों उड़ा रहे हो? दुनिया के कॉमेडियन देखा है सर, रिलीजन के ऊपर नहीं करते, किसी के भगवान के ऊपर मजाक नहीं उड़ाते, तुम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? तुम लोग भी यही देश में रहता है ना, यही देश में रह के तुम ऐसा करेगा तुम्हारे तुम्हारे लोगों के साथ, तो फिर कोई ना कोई तो बोलेगा ना, कोई ना कोई तो बोलेगा। ये जो दुकान चला रहे ना कुछ मादरचोद आके, बंद करो ये दुकान, समझा? और इसके बाद भी अगर कोई रिलीजन के खिलाफ बोलेगा तो जवाब मिलेगा, कितना भी शांत करने की कोशिश करो जवाब मिलेगा। अभी जो तुम लोग ने टारगेट किया ना हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को, ये भारी पड़ेगा, इसके बाद नहीं करना। हाँ इसके लिए कौन सा भी केस लेने के लिए तैयार है, मजाक नहीं उड़ाना। हाँ हाँ।